रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि अलीगढ़ से है, जहां पर पुलिस चौकी में बंद कर युवक की पिटाई का मामला। घायल ने पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। पुलिस चौकी के अंदर डंडों से पिटाई का आरोप लगाया गया है और इसके साथ ही शिवाला गांव का रहने वाला है पीड़ित युवक दिनेश शिवाला कला पुलिस चौकी का ये पूरा मामला है। तो पुलिस चौकी के अंदर लाठी डंडों से युवक की पिटाई का आरोप, शिवाला गांव का रहने वाला है पीड़ित युवक दिनेश, जिसने पुलिस पर यह आरोप लगाया है। और आपको बता दें कि अलीगढ़ से ये बड़ी खबर है और पुलिस चौकी में बंद कर युवक की पिटाई के मामले में पीड़ित ने पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाया और पुलिस चौकी के अंदर लाठी डंडों से पिटाई का आरोप युवक ने लगाया। युवक का नाम दिनेश, शिवाला गांव का रहने वाला है पीड़ित युवक दिनेश, जिसने पुलिस के ऊपर आरोप लगाया। शिवाला कला पुलिस चौकी का ही ये मामला है। तो बता दें आपको कि चौकी के अंदर युवक के साथ मारपीट की गई और उसकी पिटाई की गई लाठी डंडों से चौकी में बंद करके, उसके बाद पीड़ित ने पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाया। तो बता दें आपको कि पुलिस चौकी में बंद कर युवक की पिटाई की गई, शिवाला गांव का रहने वाला है ये युवक, तो शिवाला पुलिस चौकी का ही ये मामला है। ये मैं मूंग रखा गया रो अपनी, हाँ, और मैं मोमोज खाए भी आएगो बस। अच्छा, और मैंने पुलिस भाई की गाड़ी झाड़ी में मोमोज भाई के आगे, मैंने वहां पे डंडा पे हाथ धर रख दो और कुछ चढ़े हुए मारो मोटरसाइकिल पे, वो हटा। मैं सर जी डंडा तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा, अगवान जो कही चार खा लेगा तू। मैंने कि साहब हाथ जोड़ के मैं चार खवाओगे तो खा लूंगा साहब। अब इतनी देर में जन कहा भाई ये दो और आए पुलिस वाले झट में हाथ पकड़ के। क्षेत्र अंतर्गत शिवाला चौकी का ये मामला है जिसमें एक वीडियो सामने आया है। उस वीडियो की जो प्रारंभिक जाँच की गई है उससे ये स्पष्ट हुआ है कि एक जो उक्त व्यक्ति है जिसके साथ पिटाई हुई है, तो उसके द्वारा पुलिस के साथ कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था और उसने शराब का भी सेवन किया हुआ था। इसके पश्चात उसके साथ कथित तौर पर मारपीट हुई है, तो उक्त प्रकरण की जांच, विभागीय जांच इसकी सौंप दी गई है अधिकारी को। तो इस वक्त मोहित हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, ये पूरा मामला क्या है? पीड़ित युवक दिनेश, जिसने पुलिस के ऊपर आरोप लगाया है कि चौकी में उसके साथ मारपीट की गई लाठी डंडों से। देखिए, बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अलीगढ़ पुलिस पर थर्ड डिग्री देने का ये मामला सामने आएगा। देखिए, पूरे मामले की अगर हम बात करते हैं तो थाना खैर के शिवाला कला गांव का पूरा मामला है, जहां जो दिनेश नाम का व्यक्ति है उसने बताया कि वो अपनी मूंग रखाने के बाद में वो ममूज खाने के लिए एक ढकेल पर खड़ा हुआ था। वहीं एक पुलिस वाले थे और पुलिस वाले को उसके डंडे पर हाथ रखा और डंडे की तारीफ करना उसे इतना महंगा पड़ गया कि पुलिस वाले उसे अपने साथ लेकर उसके साथ जमकर मारपीट की और मारपीट इतनी की कि उसका मलमूत्र तक निकल गया। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि अलीगढ़ पुलिस का एक बेरहम चेहरा साफ तौर से सामने देखने को मिला है। हालांकि देखिए, अलीगढ़ एसएसपी शुभम पटेल से जब हमारी बात हुई तो शुभम पटेल ने पुलिस के लिए ये बयान दिया है कि जो युवक था दिनेश नाम का, वो नशे में था, पुलिस के साथ वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था, इसीलिए पुलिस उसको उठाकर ले आई और कथाकथित तौर पर उसकी मार पिटाई की है। हालांकि देखिए, उसकी जो थर्ड डिग्री दी है, थर्ड डिग्री पर उसका मलमूत्र तक निकल गया, क्योंकि जब गाँव के कुछ गणमान लोगों के द्वारा पुलिस जब उसे घर लेके अपनी गाड़ी में डल के आ रहे थे, जब उसने अपनी पैंट खोली तो वहाँ पूरा मलमूत्र निकला था। उसके पीछे बेरहमी से जो लाठी डंडे के निशान है वो सामने आई थी। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लगातार पुलिस हरकत में आ गई। हालांकि जो एसआई हैं उनको उसके कार्य क्षेत्र से हटा दिया गया है। शुभम पटेल जो एसपीआर है अलीगढ़ है, उन्होंने यह भी बताया है कि हमने जो एसआई है जिन पर ये आरोप लगाया है उनको हमने वहां से हटा दिया है और जो एसआई है उनको वहां से हटाने के बाद में उनको कार्य क्षेत्र में बदलाव कर दिया है और उनकी जांच कर रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि एसपीआर शुभम पटेल उनको अलग उनके कार्य क्षेत्र से अलग कर दिया है, यानी कि उनका ट्रांसफर कर दिया है। उसके अलावा उनके जो पुलिस की एक इंक्वायरी है, इंक्वायरी जो एसआई है एसआई के ऊपर इंक्वायरी कर दी है, एसआई का जो नाम है वो विनोद राणा बताया जा रहा है, एसआई के ऊपर इंक्वायरी कर दी और इंक्वायरी के बाद में जो अधिकारियों की रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या मामला सामने आया। हालांकि पुलिस लगातार दलील यही देती हुई आई है कि उस युवक की गलती थी, युवक ने पुलिस से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, लेकिन जिस तरीके से पुलिस का एक बेरहम चेहरा सामने आया कि किस तरीके से युवक को थर्ड डिग्री देकर पिटाई की। हालांकि अलीगढ़ एसएसपी करण नेथानी का साफ तौर से ये कहना
करो, पुलिस को आप अपना मित्र समझो, पुलिस की मदद करो, पुलिस आपकी मदद करेगी। लेकिन एक निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो ऐसा ही है विनोद राणा, उनका एक बेरहम चेहरा आया, तो कहीं ना कहीं अब जो देखने वाली बात यही होगी कि जिस तरीके शुभम पटेल बोल रहे हैं कि उनकी जो जाँच है, जाँच IAS में CEO को उनको जाँच दे रखी है, ASP वहाँ के CEO हैं, उनको जाँच देखी है, जाँच देखने के बाद आखिर पता चलेगा कि आखिर ऐसे SI के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात वो हुई थी कि जिस तरीके से अक्सर हम देखते हैं किस तरह की खबरें सामने आती हैं और पुलिस के अमानवीय चेहरे को लेकर जब तमाम मामले सामने आते हैं, तो ऐसे में ये समझ में आता है कि एक आम आदमी जो कि पुलिस से वैसे ही इतना खौफ खाता है, जब उसको वाकई में उसकी ज़रूरत हो, यानी कि कानून व्यवस्था की अगर बात हो या पुलिस की ज़रूरत हो, किसी काम से जाना हो, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास जो होता है वो कम होता हुआ नज़र आता है पुलिस वालों पर से। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दोराय नहीं है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से जो लोग हैं जो थाने के लिए जाते हैं, यानी कि अगर पुलिस वाले, अगर कोर्ट के बाद कोई आदमी अगर न्याय पर भरोसा करता है वो आमतौर से पुलिस वालों के पास करता है, यानी कि साफ तौर से कहा जाता है कि जिनके ऊपर रखवाली का जिम्मा है, जो हमारी रखवाली के लिए है, 24 घंटे पुलिस आपकी सेवा में तत्पर रहती है, लोग वहाँ की रखवाली करती है, और इस तरीके से अगर पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आएगा तो निश्चित रूप से अपने आप में एक अलीगढ़ SSP कराने नेथानी को एक बड़ा कदम उठाने की यहाँ पर निश्चित तौर से जरूरत है, क्योंकि अभी तक जो SPRS है, जो हमारी बात हुई है, SPRS ने यही कहा कि जो विनोद राणा SI हैं, हमने उनके कार्य क्षेत्र में बदलाव कर दिया, जिससे कि जो जांच है, जो उस युवक दिनेश नाम के युवक ने जो आरोप लगाए हैं, वो आरोप में कोई भी बाधा ना उत्पन्न कर सके, यानी कि SI का कार्य क्षेत्र है, कोई उनके कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न ना कर सके, तो हालांकि विश्वास भरोसा यही जताया गया, इसकी जाँच हमने CEO को दे रखी है, अगर CEO की जाँच क्या सामने निकल कर आती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अलीगढ़ SSP जो लगातार जो लोग हैं उनके लिए मॉनिटरिंग करते हैं और साफ तौर से यही कहते हैं कि आप पुलिस को अपना मित्र समझो, लेकिन ये जो चेहरा पुलिस का सामने आया, खासतौर से हम पूरी अलीगढ़ पुलिस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऐसा ही है विनोद कुमार, जो विनोद राणा जो SI है, उनका जो बेरहम चेहरा सामने आया, तो अलीगढ़ SSP को निश्चित रूप से इन पर कड़ा कदम उठाने की जिम्मेदारी जरूरत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर आम लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करेगी तो आखिर जनता पर क्या फर्क पड़ेगा। जी